25-30 साल की उस बुढ़िया माँ का वजन लगभग 40 किलो होगा। आज जब तबीयत बिगड़ने पर वो डॉक्टर को दिखाने गई, डॉक्टर ने कहा, माता जी आप हेल्थ का ख्याल रखिए, आपका वजन जरूरत से ज़्यादा कम है। आप खाने में जूस, सलाद, दूध, फल, घी, मेवा और हेल्दी फूड्स लीजिए, नहीं तो आपकी सेहत दिन पे दिन गिरती जाएगी और हालत नाजुक हो जाएगी। उसने भारी मन से डॉक्टर की बात को सुना और बाहर निकलकर सोचने लगी, इतनी महंगाई में ये सब कहाँ से आएगा और पिछले 50 सालों में फ्रूट, घी, मेवा घर में लाया कौन है। बहुत ही मामूली पेंशन से जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है उससे घर के जरूरी सामान तो पति ले आते हैं, लेकिन फल, जूस, हरी सब्जी ये सब पति ने कभी लाकर नहीं दिया और खुद भी कभी ये सब खरीदने की हिम्मत नहीं कर सकी, क्योंकि जब भी मन करता कुछ खाने का, खाली पर्स हमेशा मुंह चिढ़ाने लगता। नागपुर में जैसे शहर में मामूली सी नौकरी में और जिंदगी की गहमा गहमी में सारी जमा पूंजी, पति का पीएफ, घर के सारे अमानत, संपदा, गहने जेवर सब एक बेटे और दो बेटियों की परवरिश, पढ़ाई लिखाई, शादी में सब कुछ खत्म हो गया। दूर दिल्ली में रह रहा एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर और मोटी तनख्वाह उठा रहा बेटा भी तो खर्च के नाम पर सिर्फ 500 रुपये देता है, वो भी महीने के। बेटियों से अपने दुख माँ ने सदा छुपाई है, उन्हें कभी अपने गम में शामिल नहीं किया। आखिर ससुराल वाले क्या सोचेंगे, अब बेटे के भेजे इन 500 रुपये में बूढ़े माँ बाप तन ढंके या मन की करें। उसने सोचा, चलो एक बार बेटे को डॉक्टर की रिपोर्ट बता दी जाए। उसने बेटे को फ़ोन किया और कहा, बेटा डॉक्टर ने बताया है कि विटामिन, खून की कमी, कमजोरी से चक्कर आए थे, इसलिए खाने में सलाद, जूस, फ्रूट, दूध, फल, घी, मेवा लेना शुरू करो। बेटा माँ आपको जो खाना है खाओ, डॉक्टर की बात ना मानो। माँ ने कहा, बेटा थोड़े पैसे अगर भेज देता तो ठीक रहता। बेटा माँ इस माह मेरा बहुत खर्चा हो रहा है, कल ही तेरी पोती को मैंने फिटनेस जिम ज्वाइन कराया है, तुझे तो पता ही है वो कितनी मोटी हो रही है, इसलिए जिम ज्वाइन कराया है, उसके महीने के 7000 रुपये लगेंगे जिसमें उसका वजन 4 किलो हर माह कम कराया जाएगा और कम से कम 5 माह तो उसे भेजना ही होगा। 35000 का ये खर्चा बैठे बिठाए आ गया, अब जरूरी भी तो है ये खर्चा, आखिर 2-3 साल में इसकी शादी करनी है और आजकल मोटी लड़कियां पसंद कोई करता नहीं। माँ ने कहा, हाँ बेटा ये तो जरूरी था, कोई बात नहीं, वैसे भी डॉक्टर लोग तो ऐसे ही कुछ भी कहते रहते हैं, चक्कर तो गर्मी की वजह से आ गई होगी, वरना इतने सालों में तो कभी ऐसा नहीं हुआ, खाना तो हमेशा से यही खा रही हूँ मैं। बेटा हाँ माँ। अच्छा माँ अभी मैं फ़ोन रखता हूँ, बेटी के लिए डाइट चार्ट ले जाना है और कुछ जूस, फ्रूट और डाइट फूड भी, आप अपना ख्याल रखना। फ़ोन कट गया। माँ ने एक गिलास पानी पिया और साड़ी पर फॉल लगाने में लग गई। एक साड़ी में फॉल लगाने के माँ को 15 रुपये मिलेंगे, इन रुपये से माँ आज गणेश पूजा के लिए बाजार से लड्डू खरीदेगी, आज गणेश चतुर्थी जो है। माँ के पास आज साड़ी में फॉल लगाने की 3 ऑर्डर हैं। माँ ने मन ही मन श्री गणेश का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि आज वो आधा किलो लड्डू खरीदी ही लेगी गणेश जी की पूजा के लिए इन पैसों से, और मन ही मन अपने बेटे की सुखी और समृद्धि जिंदगी के लिए प्रभु श्री गणेश से प्रार्थना भी की। तेरे जैसा कोई नहीं माँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं और एक कहानी के साथ, तब तक नमस्कार।